हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरासाइट 2। पर इस मूवी एक्सप्लेनेशन के पहले अगर आपने इस मूवी के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर इस मूवी के पार्ट 1 को देख सकते हैं, उसके बाद आप इस पार्ट 2 को देखिएगा। और मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हमें कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है, जिसमें शहर की आर्मी को ये पता लग चुका होता है कि पैरासाइट नाम की कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर लोगों को ख़त्म कर रही है। इसीलिए वो जेल से एक सीरियल किलर को पकड़ के लेके आ जाते हैं, जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो पहचान सकते हैं कि कौन पैरासाइट है और कौन नॉर्मल इंसान है। उसके बाद उसके सामने कुछ लोग लेके आ जाते हैं जिन्हें वो बताता है कि सारे के सारे लोग नॉर्मल है। पर जब उसके सामने सिंची लेके आ जाता है तो वो सोच में पड़ जाता है, फिर वो सिंची को भी एक नॉर्मल इंसान कह देता है। फिर वो रास्ते से निकल कर घर जा रहा होता है, तभी उसे मिकी कहता है कि हमारे आसपास कोई पैरासाइट है। जब वो लोग खोजते हैं तो उसे एक पैरासाइट दिखता है जो कि इंसान का मांस खा रहा था। वो पैरासाइट उसके पास आता है, उसके बाद वो उससे लड़ने ही वाला होता है, तभी उस पर मिकी हमला कर देता है और उसे मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक और लड़का दिखाई देता है। ये लड़का दरअसल जासूस होता है जो कि पहले पार्ट में मिकी की कुछ तस्वीरें ले रहा था। उसके बाद अगले सीन में हमें शहर का मेयर दिखता है। ये आदमी बहुत बुरा आदमी था और हमेशा पैरासाइट के फीवर में बोलता था। उसके साथ साथ हमें वो टीचर भी दिखती है और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसका एक बच्चा हो गया होता है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग होता है। यहाँ पर ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि सिंची को मारना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे पैरासाइट्स को मार रहा है, जिस पर उसे टीचर ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि सिंची और मिक्की एक साथ एक बॉडी में कैसे रह सकते हैं, और अगर वो सिंची को मारते तो उसके साथ उनका पैरासाइट मिक्की भी खत्म हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा नहीं करते हैं। और इस टीचर ने ही सिंची पर नजर रखने के लिए वो जासूस सिंची के पीछे लगाया था। फिर उसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सिंची कहीं जा रहा होता है और सडनली उसे ये फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जासूस उनकी सारी बातें सुनता है और सिंची से आकर बात करता है। वो कहता है कि तुम पुलिस को क्यों नहीं बता कि तुम्हारे अंदर पैरासाइट है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर पैरासाइट है। फिर सिंची को यह पता लग जाता है कि उस टीचर ने ही उस जासूस को उसके पीछे लगाया था, तो वो टीचर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर उसकी टीचर कहती है कि तुम मेरे साथी पैरासाइट्स को क्यों मार रहे हो, वो तो अभी बस इंसानों को खाना सीख रहे हैं और जब वो सीख जाएंगे तो वो इंसानों को खाना छोड़ देंगे। उसके बाद मिक्की वहां से चला जाता है और उस जासूस से कहता है कि तुम इस टीचर का पीछा छोड़ दो क्योंकि ये बहुत खतरनाक है और अगर तुमने इसका पीछा नहीं छोड़ा तो ये तुम्हें कभी ना कभी नुकसान जरूर पहुंचाएगी। पर जासूस को उसकी बात में भरोसा नहीं होता है। उसके बाद वो जासूस मेयर से मिलने जाता है, उसे जस्ट कंफर्म करना था कि जो सिंची कह रहा है वो सच है या नहीं, इसलिए वो वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर छिपा देता है। पर मेयर को इस बात का पता लग जाता है और वो कहता है कि अब ये हमारे लिए खतरा बन चुका है और इसे अब ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए वो उसके घर पर एक पैरासाइट को भेज देता है। पर वो वहाँ पर नहीं होने के कारण वो उसकी बच्ची को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद अगले सीन में मिक्की सिंची से कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि 5 पैरासाइट्स तुम्हें मारने आ रहे हैं, और उसके पास एक आदमी उसे मारने के लिए आ रहा होता है। दरअसल इसी आदमी के अंदर 5 पैरासाइट्स जिंदा होते हैं। फिर मिक्की और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें मिक्की इसका गला उड़ा देता है, पर यह आदमी अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं होता है क्योंकि अभी तक तो इसका सिर्फ एक ही पैरासाइट मरा है और बाकी 4 इसके हाथ पे आते हैं और इसे कंट्रोल करने लगते हैं। उसके बाद उसकी टीचर मेयर पे गुस्सा करते हुए कहती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि अभी सिंची को नहीं मारना है तो तुमने उसके पीछे पैरासाइट्स को क्यों भेजा। उस टीचर से बात करते हुए मेयर को फील होता है कि टीचर जब से माँ बनी है उसके अंदर इंसानों वाले इमोशंस आ गए हैं, इसलिए वो 3 पैरासाइट्स को कहता है कि तुम उसके घर जाओ और उस टीचर को ख़त्म कर दो। अब क्योंकि वो टीचर भी एक पैरासाइट होती है तो उसे फील आ जाता है कि 3 पैरासाइट्स उसे मारने के लिए उसके घर आ रहे हैं, तो वो इन पैरासाइट्स को पार्किंग एरिया में बुलाती है और उन 3 को अकेले ही मार देती है। फिर वो जब रूम पहुंचती है तो देखती है कि उसका बच्चा वहां पर नहीं होता है और वहां पर उसे एक नोट मिलता है। उस नोट में लिखा होता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा बच्चा जिंदा चाहिए तो तुम ब्रिज पर आ जाओ। उस टीचर के बच्चे को उस स्पाई ने किडनैप किया था जिसकी बच्ची को उन पैरासाइट्स ने मार दिया था, वो उसका बदला उस टीचर से लेना चाहता था। टीचर इससे काफी डर जाती है इसलिए वो अपने साथ सिंची को भी लेकर जाती है, जिसपे सिंची सही समय में आ जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें इस बच्चे को मारने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये बच्चा हमारी तरह ही नॉर्मल इंसान है। वहाँ दूसरी तरफ आर्मी को ये खबर मिलती है कि मेयर ने अपने ऑफिस में बहुत सारे पैरासाइट्स को छुपा कर रखा है, इसलिए वो सभी लोगों को ऑफिस के बाहर निकालती है और उनमें से जो पैरासाइट्स होते हैं उन्हें मार दिया जाता है और वहाँ पर वो सीरियल किलर भी होता है। उसके बाद हम उस मेयर को देखते हैं जो कि स्पीच देते हुए ये कह रहा होता है कि असली गुनाहगार तो हम इंसान हैं क्योंकि हम उन पैरासाइट्स को बिना वजह मार रहे हैं। ये सुनने पर वहाँ पर जो आर्मी होती है उसे गोलियों से मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो जो सीरियल किलर होता है वो उन पर हंसने लगता है, कहता है अरे बुद्धो, ये तो इंसान था, तुमने इसे ही मार दिया। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है, ये वही आदमी था जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स थे। फिर उस पर आर्मी गोलियों से हमला कर देती है पर इससे कुछ भी नहीं होता।
उसके अगले सीन में वो जासूस उस बच्ची को ब्रिज से नीचे फेंकने ही वाला होता है, तभी उसके बच्चे की जान बचाने के लिए वो टीचर पैरासाइट बन जाती है और अपना एक हाथ उसके चेस्ट के अंदर घुसा कर उसे मार देती है, जिससे वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबको ये पता चल जाता है कि ये एक पैरासाइट है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे गोलियों से मारने लगती है। अब उस पैरासाइट को पता चल जाता है कि वो नहीं बचने वाली है, इसलिए वो अपना बेबी सिंची को दे देती है और उसे काफ़ी गोलियां लगने के कारण वो वहाँ पर मर जाती है। उसके बाद जब सिंची उस टीचर को देखता है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है और वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस सिंची को अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ पर उन्हें ये खबर मिलती है कि वो आदमी जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स हैं उन्होंने वहाँ पर आर्मी को मार दिया है। ये खबर सुनकर मिक्की वहाँ पर एक कार लेकर उस आदमी के पास जाता है, तभी वहाँ वो 5 पैरासाइट वाला आदमी मिक्की पर हमला कर देता है जिससे उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। पर सिंची किसी तरह बचकर जंगल की ओर आ जाता है। वहाँ पर सिंची मिक्की से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक वो आदमी मुझे ट्रेस कर सकता है, इसलिए तुम मुझसे अलग हो जाओ। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है और उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिक्की अब सिंची से अलग हो चुका है और सिंची और मिक्की अब से अलग अलग हैं। और फिर मिक्की और उस आदमी में लड़ाई होती है, जिसमें मिक्की उससे काफ़ी बहादुरी से लड़ने के बाद वो उनसे हार जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसे देखकर सिंची को काफ़ी हर्ट होता है और वो रोने लगता है, पर वहाँ पर मिक्की उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वो भागकर अपने दोस्त के घर चला जाता है और उसकी दोस्त उसका बहुत ख्याल रखती है। फिर हम देखते हैं कि सिंची के हाथ से वापस से मिक्की धीरे धीरे आ रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जब सिंची जब लास्ट टाइम इंजर्ड हुआ था तो मिक्की ने उसे अपने सेल्स देकर उसकी जान बचाई थी और उस टाइम मिक्की के सेल्स उसके अंदर रह गए थे, इसलिए वो वहाँ पर वापस से रीग्रो हो रहे थे, जिसका मतलब ये था कि वो आदमी सिंची को वापस से ट्रैक कर सकता था। तो उसके फ्रेंड को हार्म ना हो इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है वो पैरासाइट मिक्की को पकड़ लेता है। उसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें मिक्की एक लोहे का रॉड उसके पैर पर मार देता है, पर उसे उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो उसे कहता है कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं तुम्हें और बाकी इंसानों को इस दुनिया से ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट्स का ही राज होगा। फिर वो सिंची के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि मिक्की अचानक से उसकी बॉडी में स्पीडली ग्रो करना शुरू कर देता है और वो दूसरे पैरासाइट पर हमला कर देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस पैरासाइट की बॉडी में कुछ हो रहा होता है और वो तड़पने लगता है। यहाँ पर मिक्की सिंची से बताता है कि तुमने जो रॉड से उसे मारा था उस रॉड में कुछ ऐसे केमिकल थे जिसने उसकी बॉडी खराब कर दी। अब इसकी वजह से दूसरे पैरासाइट्स हैं इसकी बॉडी में रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो उसकी बॉडी छोड़ रहे हैं। पैरासाइट की बॉडी छोड़ने के बाद उसका सिर्फ ढांचा बच जाता है, जिसे सिंची आग में फेंक देता है और यहाँ पर वो पूरी तरह से मर जाता है। अब हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिक्की सिंची से बात कर रहा होता और उससे कहता है कि देखो इस दुनिया में अब कोई भी पैरासाइट नहीं है, तो मुझे भी शायद इस दुनिया में रहना नहीं चाहिए और मुझे भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाना चाहिए। जिस पर सिंची से कहता है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, पर वो उसकी बात नहीं सुनता है और वो चला जाता है। फिर सिंची का हाथ नॉर्मल हो जाता है, पर मिक्की के जाने के बाद सिंची अकेला हो जाता है और उसे मिस करते हुए काफ़ी रोता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ महीनों बाद का टाइम, जहाँ पर सिंची और इसकी दोस्त एक साथ रह रहे थे। अब वो उस बच्ची से भी मिलने जाते हैं जो कि उस टीचर की होती है। एक दिन अचानक से वो सीरियल किलर आता है और सिंची के दोस्त को किडनैप कर लेता है और उसे कहता है कि असली मॉन्स्टर तो हम इंसान है, ना कि वो पैरासाइट। जिस पर सिंची की दोस्त कहती है कि असली मॉन्स्टर तो तुम हो। ये सुनकर वो सिंची की दोस्त को छत के ऊपर से फेंक देता है। सिंची ये देखते ही उसकी तरफ दौड़ता है उसे बचाने के लिए और उसे अपना हाथ देता है और उसकी दोस्त को वो फाइनली बचा ही लेता है और उसे बचाकर वो उसके साथ रोने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसे सिंची ने नहीं बल्कि उसे मिक्की ने बचाया था। यहाँ पर इस पैरासाइट मूवी की पार्ट 2 के हो जाती है दी एंड।